Welcome back to my channel. I am Sakshi and I'm back with yet another vlog. तो आज का vlog है थोड़ा सा special क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि and I know you all have met my sister-in-laws. तो आज मैं आई हुई हूँ मेरी sister-in-law के घर पे. अरे यार इतना खुश हो रहे हो तो दिखा भी देते हैं आपको. आज मेरी भाभी आई हुई है. हाँ. इनको तो आपने देखा हुआ है मेरी बहुत सारी vlog में. ये शिल्पी जी और आज हम आए हुए हैं भोपाल. और आज क्या प्लान है, कहाँ घुमाने वाले हैं? गरबा गरबा खेलने. प्लान ये है, हम एक्चुअली सुबह ही आए हैं आज अराउंड 10 AM. और प्लान ये था कि हम गरबा खेलने जाएंगे, बट हम रात भर जागे हैं और तो इतना मन नहीं हो रहा था हमारा कि इतना हैवी आउटफिट्स वगैरह हम पहने. सो वी जस्ट वोर दिस सिंपल आउटफिट और अभी हम जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग के लिए. तो हम सारी दुर्गा जी जो भी स्थापना है वो सारी पंडाल में जाएंगे, दर्शन करेंगे और साथ ही साथ गरबा भी खेलेंगे. सो लेट्स गो. चलो, प्रगति भी आ चुकी हैं, ये शिल्पी दी और अभी हम अपना ब्रह्मास्त्र सेल्फी स्टिक निकाल के फोटो खींचेंगे. We just wanted to show all of you what we are wearing. So this is my outfit and these are their outfits. तो उसके बाद हमने डांस किया, रील्स बनाई और उसके बाद हम गए दुर्गा जी की प्रतिमाएं देखने के लिए. बहुत सारे पंडाल में हम गए, झांकियां देखी, प्रसाद खाया और सारी बचपन की यादें ताजा हो गई और फाइनली हम पहुंचे अभिव्यक्ति. तो हम अभिव्यक्ति गए थे और अभिव्यक्ति में क्या हुआ बताओ, अभिव्यक्ति में क्या हुआ? अभिव्यक्ति में इतनी भीड़ थी कि हमने एंट्री नहीं ली. हाँ, हमने सोचा कि इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम. और वहां पे लाइक लिटरली गरबा तो कुछ नहीं हो रहा था, डिस्को नाइट थी वो, पता नहीं. और वो भी इतना खचा खच, बाप इतना गंदी भीड़ थी कि वी थॉट कि नहीं भैया ना हो पाए हमसे. तो हम वापस आ चुके हैं कंट्री साइड. तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा जिसमें हम मेरे हस्बैंड निशांत के बर्थडे पे आए थे ना. हाँ, निशांत के बर्थडे पे हम आए थे और राखी और छोटू भैया की शादी थी, उसकी शॉपिंग के समय आए थे. तब हम कंट्री साइड आए थे और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली आज हम फिर यहाँ आ चुके हैं क्योंकि हमें कुछ और खुला ही नहीं मिला. यहाँ एक इतनी फनी चीज हुई क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर था, ऑलमोस्ट 1:30 हो चुका था रात का. हमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया कि हमें रेस्टोरेंट वालों ने ही बोल दिया कि आप लोग इतना नहीं खा पाएंगे. तो फाइनली खा पी के हम वापस आए और आराम से सोए क्योंकि थक गए थे. नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हमने की चाय और टोस्ट के साथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी चाय और टोस्ट को कितना एंजॉय कर रही हूँ और ये दोनों अपने स्क्रीन टाइम को कितना एंजॉय कर रहे हैं. तो खाओ पियो यार, मौज करो. 8 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं. आप क्या खाओगे, ढोकला या पोहा? पोहा. आज हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक. वी आर गोइंग टू सांची. नाश्ता हमने इतना ज्यादा कर लिया है कि हमारा पेट एकदम फटने वाला है. वी हैड ढोकला और जलेबी पोहा. तो अभी हम खाने के लिए बना रहे हैं पुलाव और साथ में रायता है. तो हम उसको पैक करके लेके जाएंगे और रास्ते में कहीं खाएंगे चटाई बिछा के. पहुंच चुके हैं सांची. वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ बिट टू हैव सम चाय और हम छोटू भी और राखी का भी वेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स. तो अब हम चाय पियेंगे. ये हमारी चाय प्रेमी नंबर 1, सबसे ज्यादा इन्हें चाय पसंद है. ये दिन में 10 बार चाय बनेगी तो 10 बार चाय पी सकती है. चाय प्रेमी नंबर 2, पर इनको उतनी चाय पसंद नहीं है, ये आधी आधी कप चाय पीने वाले लोग है. चलो बंद होने वाला है, आओ फोटो बाद में लेना यहाँ का. सो सांची स्तूपा इज फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश. इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया and it was built by the Mauryan emperor Ashoka in the 3rd century. Chalo. The dome contains the relics of Lord Buddha and it is surrounded by a railing which has intricately carved gateways or torans. The gateways depict the scenes from Lord Buddha's life.
सांची स्तूप एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल भी है। पर यह सनसेट बहुत सुंदर है यहाँ से, है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो बिहाइंड द स्तूपा आर द रिमेन्स ऑफ मोनेस्ट्रीज जहाँ पे पहले मंक्स रहा करते थे और पढ़ाई किया करते थे। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए हैं, अगर टाइम पे आते तो काफी अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते थे। बट यू गाइस प्लान टू विजिट दिस प्लेस, यू शुड एटलीस्ट हैव लाइक 4-5 hours टू एक्सप्लोर। क्या समझ आ रहा है कि लव मैरिज में लड़ाई होती है कि नहीं, ये बताओ। होती है, पर हमारा ऐसे हम बिना बात के नहीं रह सकते। हाँ, हाउ स्वीट। पुलाव जो बना के लाए हैं वो खाना भी तो है, चलो खा लेते। लौटने के बाद इवनिंग स्नैक्स के लिए हम कुबेर डेरी गए थे जहाँ पे हमने बहुत सारे चाट्स भेलपुरी वगैरह खाया और काफी टेस्टी था। अच्छा यार, आ चुके हैं बैरागढ़ और हम सब करेंगे दिवाली और करवा चौथ के लिए शॉपिंग। राखी भी आ गई है, चले चलो। कहाँ चले, आओ ना मेरी शॉप पे। जल्दी जल्दी साड़ियाँ देखना शुरू करते हैं। पहली शॉप डन, कुछ पसंद नहीं आया तो हम जा रहे हैं और भी शॉप एक्सप्लोर करने के लिए। बड़ी मुश्किल है यार यहाँ पे कपड़े ढूंढना, जो से पसंद आ रहे वैसे मिल नहीं रहे। चले कहाँ चलना है अभी, ठीक है चलो। हमने कौन सा ननन भौजाई साड़ी सेंटर, तो अभी हम ननन भौजाई सब वहीं जाएंगे। ननन भौजाई साड़ी सेंटर आए हैं। दिला दे क्या आपको? बहुत प्यारी लग रही है सर से, पता है बहुत सुंदर, बहुत खिल रही है, बहुत। बैठ गए हम छोटू सी रिक्शा में और जा रहे हैं घर। आज का दिन अच्छा रहा। तो डिनर में हमने पुलाव खाया क्योंकि दिन में हम पिकनिक नहीं मना पाए, लेट जो हो गए थे। शाम को भी स्नैक्स खा लिए थे तो वी डिडंट वांट टू वेस्ट आवर फूड। रसमलाई और क्या है, काजू रोल लिया था ना। हाँ, और मेरे को लग रहा है शायद इसने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया क्योंकि हमने ऑर्डर भी किया था उसके लिए, अब इसने दिए हैं दो तो सब तक कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। दोनों भाई बहन क्या इतनी आसानी से रानी थोड़ी मिलती। और पहली बार एक बोट ये कम से कम लेना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वीन कवर करता। जाएगी जाएगी, वेरी गुड। बाकी दिन नहीं, कौन जिंदगी जीने नहीं दे रहा आपको। पता नहीं कैसे, थैंक यू। आज छोटू भैया ने पोहा खिलाया है, दोनों छोटू भैया आज बहुत काम कर रहे हैं यार। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं कहाँ, कौन सी जगह लेके जा रहे हो? संभाला रिजॉर्ट जा रहे हैं हम फॉर क्या, डिनर। तो मिलते हैं आपको संभाला रिजॉर्ट में। आज हमने दिन भर बहुत काम किया है। ये मैडम तो चले गई थी सोने के लिए, ये मैडम गई थी ऑफिस, हमने भी ऑफिस किया है और निशांत का भी ऑफिस था, छोटू भैया का कुछ काम था तो दोनों ही काम करने के लिए गए थे। तो अब फाइनली हम सब मिले हैं तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने बाहर। इतने सुंदर है यार, बहुत ही सारे हैं। So Sambhala Resort is an amazing place indeed, but उस दिन for some reason उनका closing time थोड़ा early था, so we thought कि हम कहीं और जाते हैं, so we came here to Club Cabana. It's a nice and cozy place with good ambience and good food. हमने काफ़ी मज़े किए, बहुत सारा dance किया वहाँ पे and वापस आके सो गए because we were really tired, and next day we went to Padastu to have lunch.
सो फ्यू ऑफ आर फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग माय हस्बैंड शिल्पी दी अंकित भैया योगेश भैया आर नॉन वेजिटेरियंस और नवरात्रि के समय से इन लोगों ने नॉन वेज खाया नहीं था एंड दीज गाइज वर क्रेविंग द फर्स्ट थिंग दे ऑल वॉन्टेड टू डू ऑन दशहरा वॉज ईट नॉन वेजिटेरियन फूड मतलब खाना देखने के बाद इन लोगों के चेहरे की जो खुशी है ना वो डबल हो गई थी लुक एट द स्माइल्स कुछ ज्यादा नहीं मंगा लिए क्या खोलो तो भैया कितनी है So we ordered shahi tukda and kheer for dessert and it was amazing. You must try it out. इसके बाद हम गए थे न्यू मार्केट वैसे तो हमें बहुत कुछ खरीदना था पर टाइम की कमी होने के कारण हम उतने अच्छे से मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाए पर फिर भी हमने बहुत सारी चीजें खरीदी ये वाले लेके ज्यादा अच्छा हां ये अच्छा क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है मार्केट में इतनी रौनक थी होम डेकोर कपड़े ज्वेलरी फुटवेयर एवरीथिंग वॉज देयर मतलब मन कर रहा था सब कुछ खरीद ले मुझे भी ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है ये 200 की कितनी भैया कितने की 500 की तीन साड़ी है ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला उतना नहीं है आप लोग बताओ ना अच्छा लग रहा है मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है बहुत हाँ अच्छा लग रहा है तो हमारे पास केवल 2 घंटे थे क्योंकि 8 बजे की फ्लाइट थी 4 से 6 बजे तक का ही समय था हमारे पास और इतने समय में हमने 2 साड़ियाँ खरीदी 7 कुर्ते सेट्स खरीदे और बहुत सारी एक्सेसरीज भी खरीदी हम अराउंड 6:45 पे घर पहुँचे चाय पी और उसके बाद फटाफट से एयरपोर्ट के लिए निकले फैमिली को गुड बाय कहना हमेशा डिफिकल्ट होता है बट इस अच्छे समय की मेमोरी साथ लेकर और एक प्रॉमिस करके कि हम जल्दी मिलेंगे हम निकल पड़े बैंगलोर के लिए ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला लेकिन आई एम हैप्पी दैट आई कुड रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस फॉर यू गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सुपर सून टिल देन बाय बाय